हरियाणा में मतदान के बाद अब नेताओं की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में जीत का दावा किया और कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही और क्या कुछ कहा आप सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले टीवी के एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस को साफ साफ बहुमत दिख रहा है, 50 से 60 सीटें दिखाई जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने, उनसे जानेंगे जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है? सरकार बनने का पूरी तरह से रास्ता साफ है, कांग्रेस पार्टी की सरकार निश्चित तौर से बनी और मैं कह रहा हूँ जब ये एग्जिट पोल में बदलेगा तो हमारा, आज मैं इस पर हूँ कि 2005 का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी तोड़े। कौन कौन सी ऐसी आपकी जो घोषणाएं थी या फिर जो है अपने घोषणा ऐसी करी उसका असर हुआ, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर जनता ने आपकी जो है मोहर लगाई? मुद्दे सारे थे, अपने कांग्रेस पार्टी के कमिटमेंट थी, इनका 10 साल का कुशासन था, हमने तो हरियाणा मांगे साल अभियान में इनको पूरी तरह से बेनकाब करने का काम किया और हमारी जो कमिटमेंट है जैसा कि राहुल जी ने भी कहा है, आशीर्वाद दिया है, खड़गे जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो के वो गारंटी जारी की, सारे सहयोग से उनके आशीर्वाद से सारी कमिटमेंट पूरी जाएगी, अर्थव्यवस्था जो चौपट होगी उसको सुधारा जाएगा। मोदी जी ने भी रैली करी, बड़े बड़े नेता आए भाजपा के, क्या उसका असर नहीं हो पाया जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं? जहां जहां मोदी जी जाएंगे वहीं पर बीजेपी हारेगी। बात इनका असर है कि लोगों में अब मोदी जी का नशा उतर गया, इनको एक झूठ का पुलिंदा के तौर पर कुछ नहीं, सवाए जब भी ये बोलते हैं वो झूठ बोलने के लिए बोलते हैं, तो अब लोग इन पर विश्वास नहीं करते। बात करें सीएम चेहरे की तो किस तरह से तय होगा, हुड्डा जी सीएम बनेंगे या कोई और भी हो सकता है? सीएम वो बनेगा जिसका विधायक दल चाहेगा, सीएम वो बनेगा जिसको हाईकमान चाहेगा, हाईकमान से विधायक दल के हिसाब से तय होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष भी है, उसके साथ होटल से भी आपने चुनाव लड़ा है, बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है, किस तरह के नतीजे होटल विधानसभा हो सकते हैं? होटल विधानसभा में बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और एक अच्छे जीत मुझे मिलेगी इस तरह का मेरा विश्वास है, बाकी तो पता लगेगा। प्रदेश भर में आप गए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका असर हुआ जनता पर? हर जगह रैलियां करी, हुड्डा जी आप साथ साथ दिखे, राहुल गांधी भी आए, दीपेंद्र भी साथ रहे, वो सारे थे कि अपनी कमिटमेंट और उनका जो 10 साल का प्रशासन जो रहा है उसको हमने पर्दाफाश किया, लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया, इनके झूठ को बेनकाब किया। बात करें फरीदाबाद लोकसभा की तो कितनी सीटें यहाँ से आ सकती हैं? आप देखें कम से कम 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से 6 से कम सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस और 7 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाएगी, एग्जिट पोल के बाद जब रियल में नतीजे आएंगे तो वो कुछ और ही चौंकाने वाले होंगे। बात करें सीएम फेस की तो जो विधायक दल की बैठक होगी चुनाव जीतने के बाद वो तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज।